ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो पॉलिसी है, जो कार पॉलिसी है, उसके डिटेल्स बारे में। और ये है अपनी विटारा ब्रेजा, ओके, एलेक्सा मॉडल है। तो इसके रिलेटेड हम आज बताएंगे कि पॉलिसी में क्या क्या होता है। तो जैसे कि मेरी पॉलिसी ख़त्म होने वाली थी इस आई मीन अगस्त में, तो मुझे नया पॉलिसी परचेज करना पड़ा। ठीक है, तो आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो आप देख सकते हो कि ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से मैंने पॉलिसी लिया हुआ है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ओके, तो पहला सेक्शन होता है पॉलिसी टाइप, आपकी पॉलिसी कौन सी है, राइट। फिर आपका होता है पॉलिसी पॉलिसी नंबर आपको जो मिलता है, ठीक है, पॉलिसी इशू डेट, नाम, ठीक है, एंड इनवॉइस नंबर एंड इंश्योरेंस इंश्योर डेट, जो जिस पर बंदे की वो पॉलिसी है, प्रपोजल नंबर ऑन डेट, वट एवर वी हैव इन दिस पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, वही जो आपका टेन्योर है, ठीक है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया, ये सब बाइड पर होते हैं जब आप सेलेक्ट करोगे पॉलिसी में। आपकी कार की डिटेल्स, आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, चेसिस नंबर क्या है, कैपेसिटी क्यों भी क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये कार का नंबर, ठीक है, व्हीकल जो आपकी आईडीवी वैल्यू है, इंश्योरेंस वैल्यू है, ये आपकी मेन रहती है कि अगर आपका कार डैमेज होती है, चोरी होती है, और तो उस केस में आपको कार डैमेज होती है और वो रिपेयर नहीं हो पाती, तो उस केस में आपको ये आपकी आईडीवी वैल्यू, इतने पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये हर साल घटती रहती है बेसिस ऑफ द डिप्रेशन होता डेप्रिशिएशन होता रहता है कुछ उस परसेंट कार का, एंड डिपेंड करता है कि आपके कार का एक्सीडेंट कितनी बार हुआ है, क्या क्या मेजर चीज़ें चेंज हुई है, तो उस पर डिपेंड करता है आपकी आईडीवी वैल्यू। डिटेल्स हैं व्हीकल का जो कि मुझे पे करना है, ठीक है। तो ये व्हीकल का इंश्योरेंस है 8,152, दिस इज़ बेसिक प्रीमियम जो हम बोलते हैं कि एक व्हीकल का बेसिक प्रीमियम है, ठीक है। उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हुई है, तो आप देख सकते हो कि जो चीज़ें जीरो है वो मुझे मिली हुई है, जो 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 चीज़ें मैं नंबर डाला हुआ है दैट आई आई हैव टू पे, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे डिटेल्स हैं, एंटी थीव डिवाइस हो गया, ठीक है, तो इसका मैंने 2004 पैसे दिया हुआ है, ठीक है, नॉट 2004, सॉरी 204, ठीक है, नो क्लेम बोनस, ठीक है। ये आपको बेसिकली कुछ परसेंट मिलता है आपको अगर आप कोई इंश्योरेंस, या जब जैसे आपने इस साल आपका इंश्योरेंस था और आपने क्लेम नहीं किया, तो आपका हर 5, 10, 15% से बढ़ते रहते हैं इंश्योरेंस जो बोनस है, तो इतना मुझे उसका फ़ायदा होगा। टोटल डिडक्शन, अगेन दिस 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 डिडक्शन विल विल बी देयर, ओके, तो ये डिडक्शन हो जाएगा आपका। जीरो डेप्रिसिएशन, ये जीरो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है। इंजन प्रोटेक्शन मैंने लिया हुआ है, रिटर्न टू इनवॉइस मैंने लिया हुआ है। रिटर्न टू इनवॉइस भी यही होता है कि जो आपकी इनवॉइस वैल्यू है, जो आपका सेल्स में जो जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। की प्रोटेक्शन, अगर कोई की वगैरह भी खो गया तो दस आई दिस 250 रुपीज़। कंज्यूमेबल आइटम, अगेन कंज्यूमेबल आइटम आपका ऐसा हो गया जैसे कोई नट बोर्ड वगैरह हो गया, तो कुछ जो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसका भी वो उसका भी हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लोगे तो फिर वो 1,000 2,000 बेसिस ऑफ द की कितना बड़ा पार्ट चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका टोटल प्रीमियम हो गया, जीएसटी एंड सीजीएसटी, ठीक है। तो आपको टोटल ये नंबर ये इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, 15,600 रुपीज़, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेसिक डिटेल होती है, तो जो जो मेन 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 देखो, तो आपको बेसिक तो देना पड़ेगा जीरो डेप का, ठीक है। फिर उसके अलावा ये एड ऑनस हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। आप देखते हो तो जीरो डेप आपका 3 तक का हो गया, ठीक है, 3,000 समथिंग हो गया। और हर कंपनी का इंश्योरेंस वैल्यू डिफरेंट होता है, और आपको ये चेक करना है कि उसका रेशियो सेटलमेंट कितना परसेंट है, ठीक है।
अगर वो टाइम से सेटलमेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप भले आप 2,000 रुपये ज़्यादा दो, बट आपको अच्छे से कंपनी का इंश्योरेंस मिल सकता है। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि किसी का रेशियो सेटलमेंट कम ज़्यादा नहीं होता, पर अगेन वो इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ कंपेयर टू अदर कंपनी 15,000 का दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं 8,000 का। लेकिन जब आप क्लेम करने जाओगे तो आपको फिर आपका मैन पावर लगेगा, हैसल रहेगा, तो वो फ्री होने के लिए आप सकते हैं आप 2,000 रुपये ज़्यादा दो, बट आप मेक श्योर कि वो रेशियो जो सेटलमेंट है वो कैशलेस एंड जो सेटलमेंट है इंश्योरेंस का वो ज़्यादा बेनिफिट दे आपको। तो बस इतना ही था, उतना डीप डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मोटा मोटा चीज़ें ही अगर है आपके उसमें जो आपने कवर लिया हुआ है, अगर आप नहीं है तो देन यू कैन आप उनको दिखा सकते हो कि देखो ये अमाउंट तो मैंने लिया हुआ है, आप कैसे इसमें पे वो इंश्योरेंस नहीं दे सकते हो, तो ये आपका लीगल एक्शन में बन सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कह के मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, एंड थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।